आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो डीफेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लेकर आएगी मोदी सरकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जनरेट किए गए डीफेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में जो है AI टेक्नोलॉजी से बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन यहां पर लेने की भी कोशिश करेगी। वही 24 जून से शुरू हो रहे 18वें लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए संसदों का जो शपथ ग्रहण जो है वो यहाँ पर होगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वही सत्र में सरकार जो है पूर्ण बजट भी पेश करेगी। वही सूत्रों के मुताबिक बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल भी यहाँ पर जो इसके ऊपर बहस जो है हो सकती है। इस बिल में सोशल मीडिया पर जाने होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का प्रावधान हो सकता है। PM मोदी ने जो है 28 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को दिए एक इंटरव्यू में डीफेक वीडियो के खतरे के बारे में बताया था। वह PM मोदी ने कहा था कि AI ऐसी यहाँ पर AI जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसका सही यहाँ पर ट्रेनिंग के बिना किसी को दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। वही PM मोदी ने कहा था कि भारत जैसे लोकतंत्र में कोई भी डीफेक का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए AI जनरेटेड कंटेंट पर वाटरमार्क जो है होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये AI जनरेटेड है। वही इसे कोई यहाँ पर गुमराह नहीं होगा। एक्ट्रेस जो रश्मिका मंदाना जो है और सचिन तेंदुलकर और गृह मंत्री अमित शाह का भी डीफेक वीडियो जो है वो आ चुका है। वह डीफेक को रोकने के लिए IT मंत्रालय नए नियमों के चुनाव से पहले जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो नए नियमों की तैयारी कर ली थी। इसके मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार जो है रोक दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी जो है सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। बाद अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर ID डिस्प्ले सर्विस की है शुरू। मुंबई और हरियाणा में हुआ है ट्रायल। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी जो है वो दिखाई देगा। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्कल में ट्रायल जो है शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अन्य शहरों में भी ये सर्विस जो है वो शुरू करने की योजना है। वह इसका नाम जो है कॉलिंग नेम रजिस्ट्रेशन जो है CNAP है। इससे स्पैम और फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि दिनों में इस तरह के कॉल में बढ़ोतरी देखी गई है। पर सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई उसके दबाव के बाद जो है कंपनियां ये टेस्टिंग जो है वो शुरू कर रही है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जो CNAP जो है वो कैसे काम कर रहा है, इसका रिजल्ट जानने के बाद हम सीमित संख्या में इसकी टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। इसमें आने वाले कॉल के दौरान नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा। हम टेस्टिंग के रिजल्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ शेयर करेंगे ताकि प्रस्तावित सर्विस के बारे में एक व्यवहारिक निर्णय जो है वो लिया जा सके। वही हालांकि सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो कॉल आने वाले यहाँ पर कॉल आने वाले पर जो है भारतीय नंबर दिखाई देते हैं। DOT को से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी। इन कॉल्स के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड जो है वो किया जा रहा था। वह इस CNAP सर्विस के बारे में ट्रूकॉलर को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई। ट्रूकॉलर इंडिया के मैसेजिंग जो है डायरेक्टर जो है उन्होंने यहाँ पर बात करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो CNAP सर्विस जो है CNAP सर्विस कंपनी की मौजूदा कॉलर ID एप्लीकेशन की तरह ही होगी, लेकिन इससे उनके बिजनेस पर कोई भी जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एक्सिस बैंक में FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। एक्सिस बैंक ने FD एंड फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। दरअसल एक्सिस बैंक में FD कराने पर सामान्य नागरिक को जो है 3 से लेकर 7.20% तक का ब्याज मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन को 3.5 से लेकर 7.8% तक का ब्याज मिलेगा। वही एक्सिस बैंक ने 3 करोड़ से कम की FD पर जो ये ब्याज जो है वो दे रहा है। इससे पहले HDFC बैंक ने भी जो है फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। अब HDFC बैंक FD पर सामान्य नागरिक को 3 से लेकर 3.725% यानी 7.25% तक का ब्याज दे रहा है। वही सीनियर सिटीजन को 3.5 से 7.75% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। ये बदलाव जो है 2 करोड़ से कम की FD पर लागू किया गया है। तो अगर आप FD पर निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों बैंक जो है वो सही साबित हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर झारखंड से बड़ी खबर देखिए। झारखंड सरकार ने किसानों को दी है राहत। 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का किया है ऐलान। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन जो है झारखंड के अंदर माफ़ किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
वह 31 मार्च 2020 तक किसान द्वारा लिया गया 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ऋण वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा, ये झारखंड में ऐलान हुआ है। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। वही नेपाल हाउस स्थित सभागार में राजकीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कृषि मंत्री ने इस बारे में यहाँ पर बात कही है। वही मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों को राहत दी है जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते हैं। राज्य के करीब 4,73,000 से ज्यादा किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। वही इस मद में सरकार द्वारा जो है 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गई है। 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50,000 रुपए तक की राशि के ऋण माफ करने की घोषणा की थी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महंगाई को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। अमूल मदर डेयरी के बाद अब पराग डेयरी ने बढ़ाया है दूध के दाम। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई से झटका लगाया। दरअसल अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पराग गोल्ड और दोनों दूधों में यहाँ पर कीमतों में 2-2 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद पराग गोल्ड 1 लीटर अब 67 रुपये की बजाय 68 रुपये मिलेगा। वही पराग टोंड अब 54 की जगह 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। कंपनी द्वारा बढ़ाई गई कीमत 24 जून 2024 यानी शुक्रवार शाम से लागू हो गई है। तो अगर आप भी यहाँ पर दूध पराग कर लेते हैं, पराग कंपनी का दूध लेते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा पैसे जो है चुकाने होंगे। कंपनी ने जो है बढ़ोतरी की वजह भी यहाँ पर बताई है। बता दें कंपनी द्वारा बढ़ाई गई कीमतें जो है वो 14 तारीख से लागू हो चुकी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि भीषण गर्मी के कारण दूध उत्पादन कम हो गया है। इससे कंपनियों का उत्पादन जो है उसका लागत भी बढ़ गई है। इन सभी कारणों के कारण जो है दूध के रेटों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना जो है आपको ऐसी खबरें मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।